नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सूबे की पुलिस आए दिन अपने काम को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। ताजा मामला फतेहपुर जिले का है, जहां एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली ने उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की अवैध वसूली का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस जानवरों और ओवरलोड गाड़ियां से वसूली करती दिख रही हैं। और तो और, सदर कोतवाली के राधानगर इलाके में पीआरवी 1155 के सिपाही आराम से गाड़ी में बैठकर पैसा वसूल कर रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो ललौनी थाने के बहुआ चौकी के पास का है, जहां होमगार्डों की मदद से हर गाड़ी से 500 रुपये वसूल करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि होमगार्डों के जरिए जानवरों और ओवरलोड गाड़ियों से पूरी रात अवैध वसूली का खेल चलता है। और तो और, कहीं ना कहीं ये सब जिले के पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों की जानकारी में भी होता है। बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले अवैध वसूली में बिंदकी के 3 सिपाही निलंबित भी हुए हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।